HD News। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD News। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD News। वाल्मीकि समाज ने शनिवार को गोगा नवमी मनाई। शाम को 18 प्रमुख इलाकों से करीब 200 निशान निकाले, जो राजबाड़ा पहुंचे, राजबाड़ा के चक्कर लगाकर वापस अपने क्षेत्र में पहुंचे। इस बार सहरे में दक्षिण भारत के मंदिरों की प्रतिकृति सजाई गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। वाल्मीकि नगर, राजमहल्ला, कमाठीपुरा, गाड़ी अड्डा, परदेसीपुरा, पलहर नगर, अमर टेकरी, विकास नगर, लालबाग, जूनी इंदौर सहित कई क्षेत्रों से निशान निकले। कई सहरे के साथ झांकियां भी थी। समाज के हजारों लोग राजबाड़ा पर पहुंचे। इधर निशानों का समाज के विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया। वाल्मीकि युवा संगठन के अध्यक्ष लीलाधर करोसिया एवं अभिषेक करोसिया ने बताया कि 16 किलो की ब्रास से बनी तो प्रथम पुरस्कार स्वरूप दी गई। पहला इनाम सहरा कटिंग सिंगा भगत के निशान छड़ी पलासिया को दिया। इसमें गोगा देव को व गोरखनाथ को 8 घोड़ों पर ले जाते हुए दिखाया गया। दूसरा इनाम चेन्नई के मंदिर की प्रतिकृति बनाने वाले गोलू भगत मित्र मंडल राजमहल्ला को। तीसरा भूरा भगत कालू भगत के सहरा हरि विष्णु भगवान की चलित झांकी को मिला तोप के रूप में प्रथम पुरस्कार को लेकर आयोजक लीलाधर करोसिया ने बताया कि कारगिल युद्ध के समय बोफोर्स तोप ने भारत का मान बढ़ाया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यालय में इन तोपों को खरीदा गया था। इस वर्ष स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शौर्य प्रतीक के रूप में प्रथम पुरस्कार तोप के रूप में दिया गया। इस दौरान मंच पर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, इंदौर नगर निगम सभापति मुन्ना लाल यादव, MIC सदस्य राजेंद्र राठौर, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम चिंटू चौकसे सहित बड़ी संख्या में गणमान्य हस्तियां उपस्थित थीं। 51,000 के मूल से निर्मित ये पीतल की 16 किलो की तो नीचे करके लिया फोटो भी लेना चाहिए। अभिनंदन है, आदरणीय क्षेत्र क्रमांक 2 के भाई नेता प्रतिपक्ष भाई चेतपुर चौक से भी जीतू यादव जी, आदरणीय संजय सिंह वर्मा जी के मंच पर, लीला देवी करोसिया जी के मंच पर उपस्थित है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय संजय वर्मा साहब, क्षेत्रीय पार्षद अरुण पेंडारकर जी भी हमारे मंच पर उपस्थित है। आकाश विजयवर्गीय जी, रमेश मेंदोला जी, राजेश चौकसे जी, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे जी और तमाम कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे मंच पर उपस्थित है। आज गोगा देव भगवान की ये उत्सव इंदौर के लोग नहीं, पूरे भारत में ये उत्सव मनाया जा रहा है। आज वीर दुर्गा मंडल के साथियों को प्रथम पुरस्कार जो 35 किलो की तोप है वो इनाम में दी गई है, और लीलाधर करोसिया अभिषेक करोसिया के इस मंच से हर साल सबसे बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि हमारे इन साथियों का उत्साह बढ़ता रहे, और हर साल गोगा देव नवमी के उत्सव अवसर पे ये लोग अच्छे से अच्छे अपने निशान बना के लाएं। तो अभिषेक करोसिया, लीलाधर करोसिया को बधाई और धन्यवाद। आज अमृत महोत्सव 75वां वर्ष आजादी का है, और अमृत महोत्सव के तहत जब भारत सरकार में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बोफर्स तोप के माध्यम से कारगिल युद्ध जीता था, तो अमृत महोत्सव के तहत सज्जन वर्मा जी द्वारा ये बोफर्स तोप का प्रतीक चिन्ह प्रथम पुरस्कार के रूप में गोगा देव जन्मोत्सव पर सिंगा भगत नागर के दल को दिया गया है।